उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव एक जनसभा के दौरान भावुक हो गए। बलराम यादव आजमगढ़ में थे और इसी दौरान उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि मैं बाहर बोल लेता हूं लेकिन अपनों के बीच नहीं बोल पाता। बलराम यादव ने यह भी कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आई जिसका मैंने मुकाबला किया। दुनिया में बोल लेता हूँ, अपने लोगों के बीच में मैं कभी भाषण नहीं दे पाता। बहुत भावुक रिश्ते, जात धर्म के आधार पर नहीं है, आपस के भाईचारा के आधार पर है। इसीलिए मैं नहीं, कभी जीवन में नहीं कि कौन किस कहाँ से किस माँ के कोख में पैदा हुआ, इसका कभी अंतर मन में नहीं आया। लेकिन एक बात कहना है कि मेरे जीवन में बड़ी चुनौतियां आई और उस चुनौतियों को मैंने बहुत शालीनता और समरसता के साथ उसका मुकाबला किया और जो भी संभव प्रदेश हमारे क्षेत्र की जनता ने जो भी भाग हमें सौंपा था उसके एक माली के रूप में मैंने इस क्षेत्र को जो भी संभव इसको सजाने और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया।